ये धारावाहिक उन जाबाज जवानों को समर्पित है जिन्होंने एसटीएफ में रहते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। एसटीएफ देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रही है, अपराध तथा अपराधियों से निपटने में इसे सभी जगह अच्छी सफलता मिली है। कहीं भी एसटीएफ काम कर रही हो, आम लोग एसटीएफ पर हमेशा भरोसा जताते हैं। एसटीएफ एक भरोसा, एक विश्वास। हेलो डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है सर। हाल चाल ठीक है ना? मेरा एक पेशेंट अपने घर में मृत पाया गया है। अच्छा अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, रूपक किसी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं था? हाँ तो डॉक्टर साहब, आप मेरे तरफ से फ्री हैं। तुम क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती साहब। ठीक है, तुम जाओ होम मिनिस्ट्री से बात करो, जाओ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन ईरा मैडम बहुत ही नेक दिल और शरीफ महिला है। तुम्हारी मैम साहब ईरा कैसी महिला है? वो तो बहुत नेक दिल महिला है। अच्छा उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर कैसा था? रूपक को कपूर से बहुत एलर्जी थी। सर, कपूर की गंध से रूपक को एलर्जी थी और यह बात ईरा जानती थी। अब मौत अगर कपूर की वजह से हुई है तो इसका साफ मतलब है कि कपूर किसी न किसी तरीके से रूपक तक पहुंचाई गई और यह मौका बड़ी आसानी से ईरा को उपलब्ध था। सुधांशु ठीक कह रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, रूपक के फेफड़े तक कपूर की गंध कैसे पहुंची? कपूर की गंध कैसे पहुंची? रामबली जी, जी 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 सर, माचिस लाओ। सर माचिस। गो। सुधांशु। सर सिगरेट पियो। क्या? मैं जानता हूँ कि तुम सिगरेट नहीं पीते, लेकिन दिस इज माय ऑर्डर, लो टेक इट। वाह सर, बात समझ में आ गई। रूपक के सिगरेट में कपूर मिला हुआ है। क्या? सुधांशु ठीक कह रहा है। लेकिन सर ये काम किया किसने? ईरा के अलावा और कौन कर सकता है? वह कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। क्यों नहीं सर? वह कर सकती है इसलिए कि सिर्फ ईरा ही जानती थी कि रूपक को कपूर से जानलेवा एनर्जी थी। वो बड़े आसानी से काम कर सकती थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। और वो नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है सर? इसलिए कि वो जली हुई सिगरेट और बची हुई सिगरेट के टुकड़ों को आसानी से हटा सकती थी। वो गहरी नींद में सो रही थी ना? कम ऑन जेपी, ये बात ईरा कह रही थी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ से हटाई नहीं हो, उसे अंदाजा नहीं था कि हम कड़ी से कड़ी जोड़कर यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। यही तो पेच है। क्या सर? तुमने देखा नहीं कितनी साफ गोई से उसने एक्सेप्ट किया कि एनर्जी वाली बात या तो वो जानती है या रूपक। वो झूठ भी बोल सकती थी, ये बात मुझे पता नहीं है। फिर हम पूछताछ भी कर सकते थे, ये बात रूपक को जानने वाले और कितने लोगों को पता था, और अगर सबने इनकार कर दिया होता तो ईरा का झूठ पकड़ा जाता।
ऐसी हालत में वो मुकर जाती और कहती, मुझे लगता था एलर्जी वाली बात सबको पता है। फिर क्या किया जाए सर? वही जो सुधांशु ने अभी कहा। क्या? एक बार ईरा से ध्यान हटाकर किसी और बंदे पर ध्यान लगाओ जो ये जानता हो रूपक को कपूर से एलर्जी है। फिर कहां से शुरू करें सर? चलो चलते हैं, हरी अप। हेलो मिस्टर मेहता। हेलो मिस्टर सुधांशु, और कहां तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, अपराधी बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। संभाल कर विवेक। सॉरी सर। मेहता जी, इनसे मिलिए, हमारे चीफ मिस्टर केपी सचदेवा। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत नाम सुना है आपका। इन फैक्ट आई एम योर फैन। थैंक यू। फैन है तो एक फोटो भी हो जाए। चलो व्हाई नॉट, कम ऑन। आप क्यों छूटे हैं, आप भी आ जाइए। आ जाओ भाई। मैं आपको प्रिंट करवा के फोटो जरूर भेजवा दूंगा। थैंक यू। क्या लेंगे आप लोग? कुछ नहीं, थैंक यू, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। श्योर सर, मैं कोऑपरेट करूंगा। अच्छा मेहता जी, आपके कलिक्स में कितने लोग सिगरेट पीते हैं? 6 लोगों के बारे में मैं श्योर हूं, और 3 लोगों के बारे में नहीं जानता पीते हैं कि नहीं। ठीक है, बुलाइए। रामू, श्याम और जोगिंदर को अंदर भेज दो जरा। मेहता जी, आपके दफ्तर में रूपक जी का क्या रैंकिंग था? मेरे बाद तो उन्हीं का स्थान था। रूपक जी के बाद विवेक जो अभी यहाँ था। रूपक की जगह विवेक ही लगा? नहीं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है पूरी करने वाली। ओ आई सी। ये विवेक कैसा आदमी है? है तो अच्छा ही आदमी, आपने देखा ही है, काफी नेम धर्म वाला आदमी है। हाँ, चंदन तो लगाया हुआ था। आपके दफ्तर में कोई वित्तीय अनियमितता, मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। सुनो, ये लोग एसटीएफ टीम से आए हैं और रूपक जी की हत्या के बारे में तुम लोग से कुछ पूछा करना चाह रहे हैं। तुम लोगों में सिगरेट कितने लोग पीते हैं? हम लोग नहीं पीते हैं। जाओ जाओ। थैंक यू मिस्टर मेहता फॉर योर कोऑपरेशन। इट्स ऑलराइट सर। ईरा जी, माफी चाहता हूँ, आप लोग फिर आपको डिस्टर्ब करने आया हूँ। जी कोई बात नहीं, बैठिए। थैंक यू। ईरा जी, ये बताइए, रूपक से मिलने कौन कौन आता था? जी घर पे तो कोई नहीं आते थे, उनकी पब्लिक डीलिंग ऑफिस में ही होती थी। रूपक सिगरेट कहाँ से खरीदते थे? वो सिगरेट का बंडल ही खरीद लेते थे, और वो मेंथल सिगरेट पीते थे जो आसपास नहीं मिलता है, और वह घर पे ही कैरी करते थे। घर में भी स्टॉक है? देखती हूँ। सर, लगता है अपराधी आज हमें यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। ये एक ही पैकेट बचा है। वेरी गुड। थैंक यू। और रामबली कैसा है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और सर आ गए क्या? नहीं सर, आज देरी से आएंगे, फर्स्ट आवर में उनको कोर्ट जाना था। हेलो, ओके ओके।
इन बीवियों के पास कुछ काम नहीं होता है क्या? जब देखो तो फोन करती रहती है। मेरी ही बीवी ऐसी है कि सब की बीवी ऐसी ही होती है। अरे सर, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमको क्या मालूम। तुम बीवीदार बच्चेदार आदमी हो, हाँ, तो हाँ। तुम ही से न पूछेंगे। सर, सिर्फ बीवीदार बच्चेदार नहीं। 3 साल तुम्हारे शादी के हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी अभी तक तुम्हें बच्चे नहीं हुए हैं। ठन गोपाल, ऐसा क्यों? सर, फैमिली प्लानिंग पे अमल कर रहा हूँ, पहला बच्चा 5 साल के बाद। वाह बेटा रामबली, बड़ा स्मार्ट है। हाँ सर, हाँ सर। सर, वो पैसे मैंने शेयर में लगा दिए। रूपक सिगरेट कहाँ से खरीदते थे? मेंथॉल वाला सिगरेट है क्या? बता। बेवकूफ समझता है? कौन सा सिगरेट? स्मार्ट बनता है। मैं सिगरेट नहीं पीता सर। एसटीएफ, एक भरोसा, एक विश्वास।